कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा ये है कि हम दो दिन पहले दिल्ली में गए हुए थे, ऑल इंडिया प्रेसिडेंटों की मीटिंग चिराग पासवान जी ने रखी वहाँ पे। उस मीटिंग में एक हमें जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा सुनने को मिला। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो अच्छा एक सिस्टम चल रहा है, और रामविलास पासवान जी की एक चाहत थी, ख्वाहिश थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़वाएं हम, और हमारे भी वहाँ पे कुछ आर्मी होना चाहिए वहाँ पे। आज उनके ख्वाहिश जो हम पूरी कर रहे हैं, और चिराग साहब की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फोकस करने की। उन्होंने ये कहा कि दिसंबर महीने में जहाँ पे हम जम्मू में आ रहे हैं, उससे हर लोगों से मिला जाएगा, जो लोगों की परेशानियाँ थी, जो हमने उनसे मुद्दों की बात की जम्मू कश्मीर के, कि हमारे काफ़ी इशू हैं, बहुत ज़्यादा इशू हैं जो जम्मू कश्मीर में हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। आज हमारी सुनाई नहीं हो रही, कहाँ पर कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हम दिसंबर महीने यहाँ पर आएँगे। हम ये चाहते थे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आज दिवाली का त्यौहार है, और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि जो गरीब लोगों की बिजली का बिल माफ़ कर दें तो अच्छी बात है, एक लोगों को अच्छी राहत मिलेगी। आज गरीब आदमी को इन्होंने कहा था कि किस्तों में जमा करवाएंगे, कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो बिल्कुल बिजली का बिल जो नहीं भर सकते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि जो बिजली का बिल किस्तों में चाहे भरें, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग चुके हैं जिनका कोई रोज़गार नहीं है, महीने में 1000-2000 का रोज़गार है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, घर में बुजुर्ग हैं, तो वो कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे। हम लिहाजा ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अच्छा हमारे गवर्नर साहब काम कर रहे हैं, हम तारीफ़ करते हैं उनकी, लेकिन हमारी ये मांग है, हमारी पार्टी की तरफ से मांग है, और ये गरीब लोगों की तरफ से मांग है कि जो पुराना बिजली का बिल इन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि किस्तें को आपने कहा लेकिन किस्तें लोगों को भरने की ताकत नहीं। आज लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, यही मैसेज दे रहे हैं गरीब लोग कि हमारे हम लोग किस्तें नहीं भर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हमें राहत दी जाए। हम ये चाहते हैं कि लोगों ने ये कहा, पब्लिक भी ये चाहती है कि हम एक प्रोटेस्ट बहुत ज़ोरदार यहाँ जम्मू प्रेस क्लब में करेंगे, क्योंकि अगर नहीं बिजली का माल बिल माफ़ किया तो प्रोटेस्ट हमारी पार्टी करेगी, क्योंकि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए हमारी पार्टी तैयार बैठी है। बाकी लोगों को, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सबको दिवाली की मुबारकबाद देते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देते हैं, क्योंकि हमारे भाईचारा जो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे सदियों से चलता आया प्यार मोहब्बत हमारा जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, उसको गुलदस्ता की तरह हम रखना चाहते हैं। और शुक्रिया सब लोगों को। जय हिंद, जय भारत।